अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। यहाँ पर कन्नड़ साहित्य भवन में हम यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही अहम प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है यहाँ पर, जो है ट्रांसजेंडर्स की जानिब से, जिनको समाज में कोई अहमियत नहीं, लिहाजा इन्हें हिकारत से देखा जाता है। इन आज वो लेकिन आवाज़ उठाने पर मजबूर हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई है। यहाँ पर प्रोग्राम में ACP कट्टीमनी और डिस्ट्रिक्ट जज भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर वो कई सारे अपने सवालों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उनके क्या सवाल आते हैं, जिस तरह से वो आवाज़ उठा रहे हैं माशरे के अंदर। ट्रांसजेंडर्स भी अपना हक लेना चाहते हैं, जिस तरह से मर्द है ख्वातीन है, उसी तरह से एक इनका समाज है, इनका माशरा है और एक बड़ी तादाद है, लिहाजा इन्हें माशरे के अंदर समाज के अंदर वो हक नहीं दिया जाता जो उमूमन देना चाहिए। हमारे साथ यहाँ बहुत ख़ास मेहमान में यहाँ पर मौजूद हैं किरण बेड़ी, और वो इससे पहले भी कई सारे एहतजाज कर चुकी हैं, कई सारे मामलों में वो पेश रहते हैं और अपने हुकूक वो आज मांग रही हैं। मैडम, आप यहाँ पर जो है अभी कल पूरे वर्ल्ड ट्रांसजेंडर डे भी मनाया गया, तो इस पर आपने एहतजाज भी किया, कल रैली भी निकाली थी, आज यहाँ पर प्रोग्राम भी रखा है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज भी आए, आपके डिमांड्स क्या हैं, आपकी मांग क्या है मैडम? सर, कल का जो प्राइड था, प्राइड टोटली प्राइड में हम टोटली बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसजेंडर्स था, और उसके साथ साथ हमारे टोटली स्टेट में जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में कई क्या बोलते हैं ना मेंबर्स हमारे ट्रांसजेंडर्स आए थी, कई मेंबर्स भी आई थी, और इस टाइम में मौजूद है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट का जो रानी अम्मा, और हारूगिरी से छिंचन अम्मा, और बायलम से गौरी अम्मा, और खागवार से मानसी राधिका, ये सब हमारे ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी है। टोटली जो फाउंडेशन जो उसका जो मेन मामला ये है, इसमें जो मेन मामला है हमारा जो ट्रांस कम्युनिटी के लिए जो नीड्स है, अभी जो मैं कहना चाहती हूँ, अभी जो कई लोग मैं अपने को पूछते हैं उनको गवर्नमेंट का बहुत नियोजन है, क्या नियोजन है? हाँ, मेरे को अभी 48 रनिंग, हाँ मेरे को अभी देखो, मैं पहले में शुरुआत में अभी तो मैत्री पेंशन करके फॉर्म तो आया, उस टाइम में मेरे को फॉर्म भी नहीं था, मैं खुद लड़ते उप तहसीलदार वो लोगों के पास जा करके मेरे को पेंशन दो, जब उन्होंने जो कंडीशन इसमें हमारा पेंशन में, शहरी वालों को जल्दी से आग्री होके पेंशन जरूर देगा, पैंट शर्ट वाले भी हमारे कम्युनिटी है, वो लोगों को बोलते हैं तू पैंट शर्ट पहने आदमी है तेरे को काय को देने का, वो नहीं है, जिनका जो फीलिंग्स है, जिनका भावना है वो स्त्री है, हार्मोन्स है लेडीज़ का है, मेरा जो सोच है उस टाइम मेरे को जो क्या हुआ, जो क्वेश्चन आया उस सवाल में खुद लड़ करके मेरे को पेंशन बनाने को इतना मौजूद हुआ, लेकिन 600-500 लेकर के 20 साल तक मैं लिया, लेकिन अभी मैं क्या अभी तो लेते हुए 800 रुपये मिल रहे, लेकिन हमारा लोगों के लिए क्या निवेशन नहीं है, और मैत्री पेंशन भी ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात है, हमारे में कई लोग भी पढ़ी लिखे है, उन लोगों पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या गवर्नमेंट रिजर्व में काम देना ज़रूरी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम, आप भी कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि आप लड़ रही हैं, आपको समाज के अंदर एक जगह मिलनी, आपको समाज में एक जगह जो मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाती, और आपको ना मर्द और औरत इस तरह से आपको अलग ही रखा जाता है, लेकिन आपने जो एक जंग लड़ रही हैं, आप एक जद्दोजहद कर रही हैं, तो जिसमें भी जितने रुकावटें आ रही हैं और आज इस मकाम पर पहुंची हैं कि यहाँ पर जज भी आए हुए हैं, DCP भी आए हुए हैं, स्नेहा मैडम भी आई हुई हैं, तो इस मकाम तक पहुँचने आपको कितनी तकलीफ होती है? श्योर, जहाँ भी हम बड़े बड़े डिजिग्नेशंस जो पावर जो डिजिग्नेशन जो अधिकारियों को हमें मिलना भी है, क्योंकि एक तो अपने लोगों में क्या है ना, जो सोसाइटी में कई लोगों का नज़र, कई लोगों की सोच अलग रहता है, ये लोग क्या कर रहे हैं अपने को बुला करके, हमारा क्या है वहाँ, हमारा क्या है बोलते, हम इनों में है करके ये सोसाइटी को पता होना चाहिए, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए क्या हो रहे अभी तक यहाँ तक भई बहुत है, इतना बड़ा बड़ा डिसिग्नेशन जो अधिकारियों को हम यहाँ लाने में बहुत हम मेहनत लिया, क्यों लिया है, हमारे लोगों भी ऐसे है, हमारे भी पावर बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में इतना है, हमारे लोगों को जो भी
स्पेशलिटीज़ नीड्स अवेलेबल ये क्या है उनको प्रस्तुत करने के लिए ये पब्लिक हियरिंग मना रहे हैं। आप रिजर्वेशन की आप डिमांड कर रहे हैं? हाँ, रिजर्वेशन भी वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्वेशन में क्या हो रहे हैं, कई कई जगह पर कई उन्होंने एक टीचर हुआ, एक PSI हुआ, कई कॉरपोरेट हुआ, ऐसे मिल रहे कई में, परसेंटेज वेरी बहुत कम है। मैं ये कहना चाहती हूँ लेकिन अपने लोगों का जो टैलेंटेड और जो परसेंटेज, हमारा कई लोग क्या होते हैं ना, डिसकनेक्टेड होता है, क्या बोलते हैं, एजुकेशन, और ड्रॉप आउट होने के बाद वो लोग जाके पहुंचने में उसका उम्र हो गया रहता है। लेकिन अपना आ रहे जो नया पीढ़ी का है, नया हमारा समुदाय है, नया कम्युनिटी है, वो लोगों को क्या करना है, पूरा उन लोगों के लिए रिजर्व देना ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों के लिए एजुकेशन के हिसाब से उन लोगों को रिजर्व देना और उन लोगों को आगे करियर के उनके लिए कुछ करना चाहिए। अभी हमारे भी देखो बेलगाम में कई लोग मांग के ज़िंदगी जी रहे। मैं ही कहना चाहती हूँ बेलगाम जैसे सिटी में एक घर पकड़ के ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है। कई लोग भाड़ा दे बोले तो अपने लोगों को दे करके इन लोगों को भाड़ा देने का यहाँ ऐसे बोलते हैं। मैं गवर्नमेंट की नज़र से ये कहना चाहती हूँ हमारे लोग ईमानदार से मांग के खा रहे थे, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए आश्रय नियोजन करना ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ कल का प्रोग्राम के बारे में एक मैं स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। टोटली अपना ट्रांस कम्युनिटी था बेलगाम डिस्ट्रिक्ट का जो प्राइड कर रहे थे। प्राइड क्या कर रहे हैं, हम अभी तक सोसाइटी में ये लोग ऐसे है ऐसे ऐसे बोलते, लेकिन खुद अपने को हम एक शुद्ध अहंकार में, शुद्ध गर्व में, हम ट्रांसजेंडर है, इसमें क्या है, क्या गलती है, हम भी इस भारत की प्रजा है, हमको भी हक, संविधान का जो मूलभूत हक है, हम इसी सोसाइटी में रहेंगे, इसी में जिएंगे, हमारा जंग क्या है ना वो गवर्नमेंट का पहुंच देंगे। हमारा ये वोट वेरी इंपॉर्टेंट कितना है, हमारा भी पावर भी उतना वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, नमस्ते। ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ನಾನು ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ. ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇವೆರಡ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ನಡುವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಂಗಮ ಸಂಸ್ಥೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹ್ಯುಮಿನಿಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇವೆರಡರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳಗನೆ ನಮ್ಮದ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಗೋಕರ್ಣದಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮುದಾಯ ತಲಾಟೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ ಪೂಜಾ ಮತ್ತೆ ಪವಿತ್ರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ರವಿಕುಮಾರ್ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಮೂರು ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಗಳು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡವನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ लेकिन उसके लिए अभी हमारे लोग हैं, जब हम कॉलेज में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं तो जब रास्ते पे थोड़े लोग हम लोगों को टीजिंग करते हैं तो फिर उनके लिए कुछ कार्रवाई, जैसे कि हम हमारे ऊपर किसी ने कुछ भी बोल देते हैं तो फिर वो लोग हमको, हम लोगों को कुछ बोल नहीं सकते या फिर हमको कुछ ये नहीं कर सकते. तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम भी एक ह्यूमन राइट, हम भी एक ह्यूमन है और हमको भी एक जीने का अधिकार है. तो फिर अगर हम लोगों को कोई एक टीजिंग करता है या कोई एक करता है तो फिर उसलिए एक उसको कानून होना चाहिए. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು, ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಏ ಹಿಡಿಡ, ಏ ಚಕ್ಕ, ಏ ಒಂಬತ್ತು, ಏ ಚೈನ್ ನಂಬರ್ ಹೊಂಟೈತೆ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆ ತಾಯಿ ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ,
ಬದುಕಕ್ಕೆ ನಂಬು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವ ಇಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಳಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಲಿ ಸಾಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕಾಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದೊಳಗೂ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಕೀಲರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಕೊಟ್ಟಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ